एजुकेशन, मेरा एजुकेशन एक क्लास है क्योंकि एक मिडिल फैमिली से हूँ मैं और मेरी शादी 15 साल की उम्र में हो चुकी थी, उसके कारण मैं आगे पढ़ाई नहीं कर पाई, बच्चे हो गए, बच्चे को संभाले। लेकिन उसके बाद जब मेरी बेटी आज 18 साल की हो चुकी, फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ आगे करूं। मैंने अपना खुद का एक बिजनेस डाला हुआ है सिक्योरिटी का, क्योंकि मेरा एजुकेशन तो है नहीं है, मैं इसके आगे कुछ कर ले। लेकिन आज भी ये उम्मीद रखती हूँ कि मैं अगले को रोजी दे सकती हूँ, क्योंकि मैंने ठाना था आज मैं अपना नाम सब लोगों का माँ बाप से नाम जाना जाता, आज मेरे पिता का नाम मेरी वजह से जाना जाता है, क्योंकि उमा के पापा हैं, है ना। क्योंकि मैं बार बार आपसे कहना चाहती हूँ, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मेरी पढ़ाई बिल्कुल नहीं है, लेकिन मुझे रूबी जी से एक सपोर्ट मिला, उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया, ताकि इतना मैं बोलती भी नहीं हूँ, लेकिन इनकी वजह से मैंने थोड़ा सा बोलना सीखा। बोलने के साथ मैंने ये सोचा कि मेरी शादी तो हो गई 15 साल में, लेकिन मैं अपनी बेटी को, आज मेरी बेटी 12th में है, 12th में मैं पालन का कोर्स भी करवा रही हूँ उनको पढ़ने के। मेरे हस्बैंड लैब में कंपनी मैनेजर हैं, उनकी सैलरी ज़्यादा नहीं है, 10,000 है, इसलिए मैंने अपना खुद का बिजनेस डाला हुआ है। उसमें मैं सोचती हूँ कि मेरे जरिए चार लोग, अभी गवर्नमेंट जॉब तो वैसे ही नहीं मिल रही, प्राइवेट में मैं 10 लेडीज को खड़ी कर दूंगी, 500 रुपए के दिन के हिसाब से 10,000 वो मेरे को मिल जाते, प्रॉफिट है। और एक नाम भी है कि लेडीज बाउंसर, मैं तो बाउंसर जैसे नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने एक जज्बा रखा कि मैं आगे बढ़ूंगी और नारी शक्ति को आगे बढ़ाऊंगी। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती।